الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب ونادى مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة رواه الترمذي. तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन ही के लिए हैं और बेशुमार दरूद व सलाम नाज़िल हों अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर और आपके आलो असहाब पर और आपके मुत्तबईन पर। अनकरीब ही रमज़ान का मुबारक और बाअज़मत महीना शुरू होने वाला है। रमज़ान का महीना बरकत का महीना है, अज़मत का महीना है, नेकियों को हासिल करने का महीना है, गुनाहों की माफ़ी का महीना है, सब्र और शुक्र का महीना है, एक दूसरे के साथ खैरख्वाही और हमदर्दी का महीना है। रमज़ान का महीना हर साल हमारी ज़िंदगी में आता है और गुज़र जाता है, लेकिन जो तब्दीली हमारे माशरे में हमारी अपनी ज़ात में आनी चाहिए वो नज़र नहीं आती है। रमज़ान का महीना हमारे लिए अल्लाह ताला का अज़ीम तोहफ़ा है। आने वाले इस अजीम महीने को अगर हम सही तौर पर गुजार लें और उसके हकूक़ अदा करते हुए गुजार लें तो ये हमारी ज़िंदगी का एक सुनहरी मौका होगा और बड़ा कीमती वक्त होगा। मैंने जो हदीस पढ़ी है इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रमज़ान का महीना शुरू होता है तो सरकश शयातीन और जिन्नात बंद कर दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं जो फिर खोले नहीं जाते, और जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं जो बंद नहीं किए जाते। और रमज़ान की हर रात एक पुकारने वाला पुकारता है या बाग़ियल ख़ैर अकबिल व या बाग़ियल शर अक़सिर, है ऐ नेकियों के चाहने वाले, ऐ खैर और भलाई के मुतलाशी, अपने नेक कामों में इजाफ़ा कर और नेक काम कर, वया बाग़ियश्शर अक़सिर,
और बुराई के करने वाले अपनी बुराइयों से रुक जा। अल्लाह रब्बुल आलमीन बेशुमार बंदों की मग़फ़िरत फरमाता है और हर रात यही होता है। इस हदीस से रमदानुल मुबारक की अहमियत का अंदाज़ा होता है। हमें आने वाले महीने की तैयारी अभी से करनी चाहिए। हम अपनी दुनियावी ज़िंदगी में बहुत से मौक़ों पर तैयारियां करते हैं। ईदुल्फ़ितर का मौका होता है तो उसकी तैयारी घरों में होती है, घरों की सफाई सुथराई है, अच्छे कपड़ों का अहतमाम है, कौन कौन से खाने बनेंगे ये सब तय हो जाता है। और फिर उसी तरह ईदुल्फ़ितर को या ईदुल्अज़हा को हम लोग गुजारते हैं। घर में अगर कोई खुशी की तकरीब है, शादी है, कोई अकीका है, वलीमा है, तो महीनों पहलों से उसकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। महीनों पहले उसकी तैयारियां हम करने लगते हैं और उसके लिए जितने लवाजमात हमारे यहाँ राइज हैं, जो रस्में हैं, उनकी अदायगी की भी तैयारियां होती हैं। अब वो अच्छी हैं या बुरी हैं एक अलग बहस है, लेकिन बहरहाल तैयारियां होती हैं और हर आदमी अपने अपने हिसाब से भाग दौड़ में लगा रहता है। तो ये जो अजीम मेहमान हमारे दरमियान आने वाला है, हमारे हर घर में आने वाला है, हर मुसलमान के घर में ये मेहमान दस्तक दे रहा है कि मैं आ रहा हूँ, तो इस आने वाले मेहमान की तवाज़ो के लिए हम क्या तैयारी करें? हमें तैयारी करनी चाहिए। और किस अंदाज की तैयारी? कि आने वाले मेहमान का हक अदा हो जाए और हमें उसका पूरा पूरा अजर मिल जाए। मेहमान आए और उसकी खातिर मदारात ना हो और वो जाते हुए अच्छा जहन लेकर ना जाए, नाराज़ होकर जाए, रूठ कर जाए, तो ये हमारे लिए कितने बड़े दुख और अफसोस की बात होती है। मेरे अजीज़ों और मेरे भाइयों, इसी तरह बल्कि इससे भी कई गुना ज़्यादा हमें रमज़ान की तैयारी करनी चाहिए। हम अपना टाइम टेबल बनाएं और जितनी हमारी मसरूफियत है रोज़ाना की, उसमें से कुछ घंटे कम करें ताकि उन औकात में हम नेक कामों को अंजाम दें। पूरे 11 महीने हम कारोबार में लगे रहते हैं, मुलाजमत करते हैं, अपनी अपनी मसरूफियात में मशगूल रहते हैं, एक महीने के लिए इसमें कुछ कमी करें, कुछ कटौती करें। हमारे यहाँ जो रोज़ा रखने वाले मुलाजमीन हैं उनके वक्त में भी तख़फीफ़ करें, कमी करें, उन पर भी आसानियाँ करें ताकि वो आराम से रोज़े रख सकें। तो हमें टाइम टेबल बनाना चाहिए और उसमें सबसे पहला काम है वक्त की फरागत। वक्त निकालें किस काम के लिए? हम ये तय कर लें कि हमें इस महीने में कुरान मजीद की तिलावत करनी है, मुकम्मल कुरान मजीद पढ़ना है। एक कुरान मजीद मुकम्मल करना है या दो कुरान मजीद मुकम्मल करने हैं, इसके लिए वक्त फारिग करें। इसी तरह ये भी तय करें कि हमें कुरान मजीद को समझना भी है। कुरान मजीद का और रमज़ान के महीने का बड़ा गहरा ताल्लुक है, क्योंकि कुरान करीम रमज़ान के महीने ही में नाज़िल किया गया है। इसलिए ये महीना जो आ रहा है
ये तजदीद ईमान व अमल का महीना है। तजदीद कहते हैं रिन्यूअल को, हम अपना ईमान भी रिन्यू करें, अपने आमाल को भी रिन्यू करें, उनमें जान डालें, उसमें जो गंदगियां आलूदगियां पैदा हो गई उनकी सफाई करें, अपने ईमान की सफाई करें, अपने दिल की सफाई करें, अपनी इबादात में जो बिदात और खुराफात दाखिल हो गई हैं उनको निकालें। तो ये महीना तजदीद का महीना है, ईमान और अमल की तजदीद, इसकी तैयारी हमें करनी चाहिए। कुरान मजीद को समझकर पढ़ने की कोशिश करें, यूं तो एक सादी सी तिलावत पर भी अजर मिल जाएगा। एक हर्फ पर 10 नेकियां हैं, अलिफ लाम मीम कोई पढ़ता है तो 30 नेकियां हो गई, लेकिन अगर समझकर पढ़ेंगे, मानी और तफसीर के साथ पढ़ेंगे तो उसके तो क्या कहने हैं, कितना अजर मिलेगा अल्लाह ही जानता है। और यही असल मकसद है तिलावत का। तिलावत है कुरान मजीद के साथ में अगर उसको समझा ना जाए, ये बहुत बड़ी कमी है। और आज हमारे माशरे में बसने वाले अक्सर लोग, मुसलमानों की अक्सरियत, कुरान खानी तो करती है लेकिन कुरान फहमी नहीं करती। कुरान खानी के साथ कुरान फहमी होनी चाहिए, तब उसका सही माना में फ़ायदा है। तो कुरान मजीद से अपने रिश्ते को मजबूत से मजबूत तर करें, ये मौका आ रहा है, वक्त आ रहा है। और अपने रोज़ाना की मसरूफियात में से कुछ वक्त निकालें। इसी तरह दुआओं का अहतमाम करें, खूब गिड़गिड़ाकर अल्लाह की बारगाह में दुआएं करें, रोएं गिड़गिड़ाएं और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। क्योंकि रमज़ान बेशुमार लोगों की गर्दनें छुड़ाने का महीना है। अल्लाह अपने बेशुमार बंदों को माफ़ करता है जो यकीनन और दिल की गहराई से उससे तौबा करते हैं। अल्लाह का तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है, इससे पहले कि वो बंद हो जाए या हमारा ऐसा वक्त आ जाए कि हमें मौका ही ना मिले, उससे पहले अल्लाह से तौबा कर लें, गुनाहों को माफ़ करा लें। माह मुबारक गुनाहों की माफ़ी का अजीम महीना है, स्पेशल महीना है। इसी तरह मेरे भाइयों, ज़िक्र व अज़कार का अहतमाम करें। ज़िक्र व अज़कार, सुबह के अज़कार, शाम के अज़कार याद कर लें और उनको पढ़ने का मामूल बनाएं। रात को सोने से पहले के अज़कार, उनको पढ़ने का मामूल बनाएं। नमाज बा जमात की सही तौर पर पाबंदी करें और एक महीना इस अंदाज से हम ट्रेनिंग लें, ये ट्रेनिंग का महीना है कि फिर बकिया 11 महीने की ज़िंदगी में भी हम नमाज बाजमात के पाबंद हो जाए। खुसूसन फजर की नमाज, रात भर जागे, सहरी खाई या कहीं बाहर होटलों में मुख्तलिफ तरह के पकवान खाए और आकर सो गए। अब आँख खुल रही है 8-9 बजे, जब दुकान पे जाने का वक्त है, नमाज फजर चली गई और यही कैफियत इफ्तार में मगरिब की नमाज के साथ होती है कि इफ्तार की बहुत सारी झंझटों में फंस कर मगरिब की नमाज फौत हो जाती है। तो इस कोताही से बचें और अपने आप को
इस बात के लिए आमादा करें, तैयार करें कि नमाजें नहीं छूटनी, नमाज बाजमात अदा करनी है, पांचों नमाजें। नमाजों के बाद के अज़कार याद करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल क्या था? फ़र्ज नमाजों के बाद में, पांचों नमाजों के बाद देर तक बैठकर अज़कार पढ़ते थे, और इसकी बड़ी फजीलत है। जो आदमी जिस जगह उसने फ़र्ज़ नमाज पढ़ी है, नमाज ख़त्म होने के बाद जितनी देर तक भी उसी जगह बैठा बैठा अज़कार पढ़ता है, अल्लाह के फरिश्ते उस शख्स के लिए दुआएं करते हैं। अल्लाहु अकबर, फरिश्ते दुआएं करते हैं। ये रमज़ान का ही मसला नहीं, 12 महीने का। आपने देखा होगा कुछ लोग जैसे नमाज ख़त्म हुई या तो उठकर चले गए या पीछे की सफ में खिसक गए। जो पीछे की सफ में चला गया वो इस फजीलत से महरूम हो गया, जो उठकर चला गया वो भी इस फजीलत से महरूम हो गया। तो फ़र्ज नमाजों के बाद उसी जगह बैठे बैठे उन अज़कार को पढ़ना जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे, तो फरिश्ते उस शख्स के लिए दुआएं करते हैं। और रमज़ान के महीने में फरिश्ते किसी बंदे के लिए दुआ करें तो क्या कहने हैं। बहुत ही बड़ी खुशकिस्मती है उस बंदे के लिए। तो मेरे भाइयों, बेशुमार फ़ज़ाइल हैं सही अहादीस में। हम उन नेकियों को, उन अच्छाइयों को हासिल करने की कोशिश करें। नेकियां रमज़ान में बरसती हैं, नेकियों का मौसम बहार है ये महीना, तो हम इसको ज़ाया ना करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस मशहूर हदीस को अपने जहन में रखें, व फराग़ का कबल शुगलिक, अपनी फुर्सत के वक्त को गनीमत समझो मशगूल होने से पहले, व हयात का कबल मौतिक, अपनी ज़िंदगी को गनीमत जानो मौत आने से पहले। तो ये हमारी जो ज़िंदगी जो अल्लाह ने हमें दी है, कब इसकी शाम हो जाए कुछ नहीं मालूम, और कब हम अल्लाह के यहाँ हाजिर हो जाएं कुछ नहीं पता है किसी को भी। अल्लाह ने बताया ही नहीं किसी को कि कब जाना है दुनिया से। अल्लाह ने इम्तिहान, इम्तिहान के सवालात, उनके जवाबात सब बता दिए हैं, लेकिन स्कूल से छुट्टी कब होगी ये नहीं बताया। आप मेरी बात समझने की कोशिश करें कि आप स्कूल में हैं, ये दुनिया स्कूल है, इसको स्कूल की तरह समझें। इम्तिहान हो रहा है, पहले से ही आपको सवालात भी बता दिए, उनके जवाबात भी बता दिए कि इस सवाल का ये जवाब है, कितना आसान हो गया। लेकिन ये मालूम नहीं है कि छुट्टी कब मिलेगी इस स्कूल से। छुट्टी से मुराद ये है कि हम दुनिया कब छोड़ेंगे, मौत का वक्त किसका कब आएगा मालूम नहीं। तो इम्तिहान के सवालात तो 100% उनके जवाब सही होने चाहिए, जबकि जवाब भी हमें बता दिए गए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आने वाले इम्तिहान के सवालात और जवाबात दोनों बता दिए। हम दुनिया में जो इम्तिहान देते हैं स्कूलों में, वहाँ जवाबात हमें याद करने होते हैं, सवालात का पता नहीं होता कौन सा सवाल आ जाए। बच्चे से आप पूछते हैं स्कूल से आकर, इम्तिहान के अय्याम चल रहे हैं, बेटा पेपर कैसा हुआ? तो बोलता है अब्बा, जब जो सवालात याद करके गया था उनमें से 4 आए हैं, 5वां नहीं था वो जो मुझे याद था, कोई और सवाल आ गया, तो वो मैं करके नहीं आया, 4 सवालों के जवाब लिखाया। तो क्या उसके अच्छे नंबर आने की तवक्को है? नहीं है। हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारते हुए
जवाबात बता दिए, सवालात बता दिए, तो अब तो उसमें फेल होने का मसला नहीं। फेल कौन होगा? जो इस इम्तिहान से गैर हाजिर रहेगा, सवाल व जवाब से गैर हाजिर रहेगा, वो फेल हो जाएगा। और जिसने सवालात समझे, जवाबात समझे और सही तौर पर उनको अंजाम दे लिया, तो वो 100% कामयाब है। और उसके लिए अल्लाह ताला ने जन्नतें तैयार की हुई, नेमतें तैयार की हुई हैं, उसके इनामात हैं, उसका दीदार है। कितनी बड़ी बात है ये, मोमिनीन को जन्नत में अल्लाह का दीदार होगा, मोमिनीन अपनी आँखों से अल्लाह को देखेंगे। अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी सआदत है जन्नती लोगों के लिए। मेरे भाइयों, ये महीना जो आ रहा है, इसमें हुसूल जन्नत के ऐसे आसान तरीके बयान कर दिए गए हैं कि अगर हम उनको इख्तियार कर लें तो फिर जन्नत हमारी है। और जिसे जन्नत मिल गई उसकी बड़ी कामयाबी है, बड़ी सआदत है उसके लिए। तो अल्लाह ताला की जन्नत हासिल करने के लिए हम इस दुनिया में मेहनत करें, कोशिश करें, और उसके लिए हमें बुराइयों से बचना है, उसके लिए हमें शिर्क से बचना है, उसके लिए हमें बिदात से बचना है, उसके लिए हमें बुराइयों से, हर तरह की समाजी और माशरती बुराइयों से बचना है। तो मेरे भाइयों, हम अपनी ज़िंदगी के इस लम्हे को अगर सही तौर पर गुजार ले जाएं और इस ज़िंदगी को गनीमत समझें, तो ये हमारे लिए बड़ी सआदत की बात है। इसी तरह मेरे भाइयों, रमज़ान का महीना इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह का सबसे स्पेशल महीना है। इन्फाक जानते हैं किसे कहते हैं? ज़कात को तो आप सब लोग जानते हैं, वो तो हर साहिब निसाब पर फ़र्ज़ है। ज़कात हर साहिब निसाब मुसलमान पर फ़र्ज़ है, और उसको 40वां हिस्सा अपने माल का निकालना है। लेकिन इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह कहते हैं अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करना, नफली सदक़ात जिन्हें कहा जाता है, कि ज़कात के अलावा भी आपको अपने माल में से अल्लाह के रास्ते में निकालते रहना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हदीसों में आता है कि जब रमज़ान का महीना शुरू होता था तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा सखावत करते थे। ज़कात तो नबी अलैहि सलाम पे कभी फ़र्ज नहीं हुई, इतना माल ही नहीं जुड़ा कि ज़कात फ़र्ज हो जाती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सारे जहानों के लिए रहमत बना कर भेजा, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, तमाम जहानों के लिए रहमत बना कर भेजा, लेकिन कभी इतना माल जमा नहीं हुआ आपके पास कि आप पर ज़कात फ़र्ज हो जाती। लेकिन सदका तो खैरात बराबर करते थे, जो कुछ आपके पास आता था उसे अल्लाह के रास्ते में गरीबों को दे दिया करते थे। और कई मरतबा ऐसा होता था कि घर में खाने के लिए कुछ नहीं होता, चंद खजूरें कभी होती थी कभी नहीं भी होती थी, ये सूरत हाल होती थी। तो इन्फाक अल्लाह के रास्ते में खर्च करना, मोहताजों की मदद करना, गरीबों की मदद करना, पड़ोस के गरीबों को के लिए इफ्तार का अहतमाम करना, उनके घर इफ्तार का सामान भेजना, उनके घर सहरी का इंतज़ाम करा देना, ये सब इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह है। और ये बहुत बड़ी नेकी है, इस काम को करें। रमज़ान के लिए तय कर लें अभी से कि हमें इतना, इतनी या उससे ज़ायद रकम जैसे होगा उसे अल्लाह के रास्ते में गरीबों की मदद पर खर्च करना है ज़कात के अलावा। ज़कात तो फ़र्ज़ है, वो तो निकालनी ही है साहिब निसाब को। और जो लोग साहिब निसाब नहीं हैं वो भी इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह करें। एक खजूर भी देना बेहतरीन सदका है, और इससे भी ज़्यादा आसान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी को भली बात बता देना भी सदका है। मेरे पास कुछ नहीं है, एक पाई देने के लिए नहीं है, एक खजूर भी देने के लिए नहीं है,
तो मैं अच्छी बात अपने भाई तक पहुंचा दूं, ये भी सदका है। भली बात उस तक पहुंचा दूं, नेक काम उस तक पहुंचा दूं, नेक अमल उसे बता दूं, ये भी सदका है। तो कितना आसान है अल्लाह का दीन, बहुत आसान है। दीन युसरुन, दीन आसान है, लोगों ने इसे मुश्किल बना दिया है। बिलावल ऐसी ऐसी चीज़ें इसमें दाखिल कर दी कि लोगों को लगता बड़ा मुश्किल। मसलन जिक्र आया है तो अर्ज करता हूँ, ईशा की नमाज में बच्चों को याद कराया जाता है 17 रकात। एक आदमी थका आरा काम पे से आया है, मजदूर है, उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो 17 रकात पढ़ ले, लेकिन याद कराया है कि 17 है ईशा में, तो वो बेचारा किसी न किसी तरह बेदिली से वो 17 रकात पूरी कर रहा है। याद रखें, 17 रकात ईशा में किसी हदीस में नहीं है, दुनिया में कोई हदीस ऐसी नहीं है। और ये चैलेंज है, अगर किसी को ज्यादा इसरार हो तो दलील ले आए। कोई एक हदीस के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को सिखाया हो कि ईशा में 17 रकात पढ़नी है, कहीं नहीं। 4 रकतें फर्ज हैं, उसके बाद 2 सुन्नतें मौकदा हैं, सुन्नत रवातिब, और उसके बाद वितर है। और वितर असलन रात की नमाज है, वो ईशा की नमाज का हिस्सा नहीं है। तो ईशा में जो कुल नमाज है वो 6 रकात है, और असल फर्ज 4 रकात हैं, उसके बाद 2 सुन्नतें हैं। आप वितर पढ़ना चाहें उसी वक्त पढ़ लें, और अगर रात को उठने की आदत है तो तहज्जुद का हिस्सा है वितर की नमाज। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत की आसानी के लिए कि जो लोग रात को उठ नहीं पाते वो ईशा की सुन्नतों के बाद ही वितर पढ़कर सो जाए। अब वितर कम से कम 1 रकत है, 3 रकात हैं, 5 रकात हैं, 7 हैं, 9 हैं, आपको जो आसान हो पढ़ लीजिए। तो अब ये इतनी ज़्यादा लोगों को नमाज़ें याद कराना, बच्चों को रटाना, ये सब किसी हदीस में नहीं है। तो इसलिए इस तरह से लोग मुश्किलात पैदा करते हैं। दीन आसान है, कुछ लोग कहते हैं जी आपने तो कम कर दिया, मैं आप तो हर चीज़ में कम कर देते हैं। भाई हम कम नहीं करते हैं, हम उतना ही मानते हैं जितना बयान किया गया है, हम इजाफा नहीं करते हैं अपनी तरफ से। आपने इजाफा कर लिया है जिसका हक आपको नहीं है, हम तो उतना ही करते हैं जितना बयान किया गया है, उससे कम ना ज़्यादा। और जो कुछ करते हैं उसके दलाइल मौजूद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह दलाइल मौजूद हैं सही अहादीस में। कोई एक मसला उठाइए तो उसकी दलील मिल जाएगी। इसलिए मेरे भाइयों, बात ज़िमनी तौर पर यह आ गई, माह मुबारक की तैयारी करें और अपने आप को ज़हनी तौर पर, दिमागी तौर पर तैयार करें कि हमें रमज़ान के महीने को बिल्कुल साफ़ सुथरा गुजारना है, नेकियां खूब करनी हैं, अच्छा अमल करना है, ट्रेनिंग लेनी है अच्छाइयों को इख्तियार करने की, बुराइयों को छोड़ने की। बीड़ी सिगरेट पीने वालों के लिए भी अच्छा मौका है, जिन्हें आदत है बीड़ी सिगरेट पीने की उनके लिए बेहतरीन मौका है कि अब छोड़ दें, पूरा महीना रोज़ा रखेंगे, सुबह सादिक से लेकर गुरूब तक रोज़ा रखेंगे तो छोड़ दें इसको। इसी के साथ मेरे भाइयों चंद बातें और हैं, और वो आइम्मा मसाजिद मुतवल्लिया ने मसाजिद और मुअज्जिनीन ने मसाजिद से कि रात भर मस्जिद के लाउड स्पीकर से शोर शराबा न करें। सेहरी का वक्त बार बार बयान हो रहा है, अभी इतने मिनट रह गए हैं, अभी इतने मत करो ऐसा। हमारे पड़ोस में गैर मुस्लिम भी रहते हैं, उनको बेदार करना, उनकी नींद ख़राब करना ये अच्छा काम नहीं है। पड़ोसियों के हम पर हुकूक़ हैं, चाहे वो मुस्लिम हो कि गैर मुस्लिम हो। सायरन मत बजाइए, रात को कई कई मरतबा सायरन बजता है, लगता है कि कोई ख़तरे की घंटी है। सायरन शहरों में कब बजते हैं कि किसी दुश्मन मुल्क ने हमला कर दिया और अब सारे शहरी जो हैं वो होशियार हो जाएं। ऐसे वक्त में सायरन बजा करते थे। अब लोगों ने सहरी के लिए, इफ्तार के लिए अजान का निज़ाम दिया है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
مغرب کی اذان پر افطار کر لیجئے، اور سحری کے لیے بھی اذان ہوتی تھی، حضرت بلال دیتے تھے، صحیح بخاری مسلم میں حدیثیں موجود ہیں، فجر کی اذان حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی دیتے تھے، تو رات کو سحری کے لیے بھی آپ صبح صادق سے ایک گھنٹہ سوا گھنٹہ پہلے اذان دلوائیے مسجدوں میں، اور اذان میں دو تین منٹ لگتے ہیں، تو اذان کا جو نظام ہے اسلام میں اس کو جاری کریں، ان خرافات سے بچیں کہ مسجدوں سے سائرن بج رہے ہیں اور اعلان پر اعلان ہو رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ پھر کیا ہے کہ پھر وہ لوگ جا کر تھانے میں رپورٹ کرتے ہیں، یہ رات کو ہماری نیند ان لوگوں نے خراب کر رکھی، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ سب بند کرا دیا جاتا ہے، بہت سے علاقوں میں بہت سے صوبوں میں مسائل چل رہے ہیں۔ تو اپنی اپنی مساجد میں اس بات کا خیال رکھیں کہ ہمارا پڑوسی پریشان نہ ہو، اسے کیا ہے کہ وہ رات کو جاگے، کیوں جاگے گا، وہ اس پر تو وہ مکلف ہی نہیں ہے، مسلمان ہی نہیں ہے، تو اس کا لحاظ رکھیں۔ میں ہر سال یہ ذکر کرتا ہوں رمضان سے پہلے کہ روزہ رکھنے کے لیے نیت شرط ہے، نیت دلی ارادے کا نام ہے، اور وہ صبح صادق سے پہلے ہونی چاہیے، رمضان کے فرض روزے کی نیت صبح صادق سے پہلے ہونی چاہیے۔ الفاظ سے نیت کہیں کسی حدیث میں ثابت نہیں ہے، اشتہارات میں، فولڈرز میں، پاکٹ سائز کے ٹائم ٹیبلز میں آپ کو عربی کا ایک جملہ لکھا ملے گا، بصوم غد نویت من شہر رمضان، یہ کسی حدیث میں نہیں ہے۔ 25-30 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ ہو گیا الحمدللہ، اس ممبر سے برابر یہ بات ہر سال بولتا ہوں کہ اس کا ثبوت لاؤ بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے تمام احکام بیان کیے ہیں، حدیث کی تمام کتابوں میں کتاب الصیام موجود ہے، یہ بتا دو کہ کس حدیث میں یہ الفاظ سکھائے گئے ہیں، بصوم غد نویت من شہر رمضان۔ اب پھر کہہ رہا ہوں، پوچھو علماء سے جا کر اس کی دلیل لاؤ، نہیں تو اپنے روزے کی ابتدا بدعت سے نہ کریں، یہ بدعت ہے، دین میں نیا کام ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا، اس جملے کو صحابہ نہیں جانتے تھے، بصوم غد نویت من شہر رمضان کو صحابہ نہیں جانتے تھے، تابعین نہیں جانتے تھے، چاروں ائمہ نہیں جانتے تھے، چاروں ائمہ ہی سے کسی امام سے کوئی ثبوت لے آؤ تب بھی ہم تسلیم کر لیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد رحمہم اللہ، ان سے ثبوت لے آئے کوئی آپ؟ تو ایسے کام جو لوگوں نے گھڑ لیے ہیں، اپنے آپ بنا لیے ہیں، ان سے بچیں اور سنت پر عمل کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ رمضان کے مہینے کو اس کے حق کے ساتھ ہم گزاریں، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق دے اور زندگی عطا فرمائے کہ ہمیں رمضان کی برکتیں، نیکیاں، عظمتیں حاصل ہوں، اور اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔